हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बीएल चौधरी, टीम बोटनी सीएलसी सीकर। आई एम गणित सोनी, टीम बोटनी सीएलसी सीकर। हाँ तो बेटा, स्वागत है आपका गुरुनीति 180 वर्सेज 180 श्रृंखला के अंदर। और अपन डिस्कस कर रहे थे प्लांट मॉर्फोलॉजी, यानी जो एंजियोस्पर्म प्लांट है, आवर्तबीजी पादप है, पृथ्वी के जो सबसे एडवांस प्लांट है, उनकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, उनके प्लांट ऑर्गन्स की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, फिजिकल फॉर्म्स है, उन सब का अपन अध्ययन कर रहे थे। और उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने रूट और स्टेम, यानी जो अंडरग्राउंड डिसेंडिंग पोर्शन होता है रूट सिस्टम, रूट सिस्टम के जो भी टाइप्स हैं, उसके पश्चात अपने बात की बेटा कि रूट के फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन है, रूट के मॉडिफिकेशंस हैं, उसके बाद अपने स्टेम के टाइप्स और जो भी मेन फंक्शन, इसके अलावा मॉडिफिकेशंस हैं, उन सब का डिस्कस अपने प्रीवियस लेक्चर में अपने किया। और आज अपन इसको मॉर्फोलॉजी को आगे अपन लेते हैं, तो लीफ और इनफ्लोरेंस, यानी जो आप समझ सकते हैं कि स्टेम एक्सिस पे जो ब्रांच, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, स्टेम का जो अपन ने मेन फंक्शन बताया था कि भाई ये ब्रांच को, लीव्स को, फ्लावर को, फ्रूट को धारण करता है, और वो सारी जो फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनेट होती है वो एपिकल मेरिस्टेम से ही सारी वो ओरिजिनेशन होती हैं, तो उनके बारे में अपन डिस्कस किया था। तो आज अपन जो एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है प्लांट का, लीफ, और उसके पश्चात अपन इनफ्लोरेंस के क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा कि जो फर्स्ट दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज फ्लैसी लीव्स, कौन से पादप में गुद्देदार प्रणय उपस्थित होती है। तो ये मॉडिफिकेशन और फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन है। आप जानते हैं बेटा कि प्लांट्स में अपन बात करें कि जो फूड स्टोरेज के लिए, अपन ने देखो रूट के भी मॉडिफिकेशन पढ़े, क्लियर, और आप समझ सकते हैं अपन ने स्टेम के मॉडिफिकेशन का भी स्टडी किया फूड स्टोरेज के लिए, कुछ जो अंडरग्राउंड स्टेम थे बिल्कुल, क्लियर। और लीफ के अंदर फूड स्टोरेज के लिए केवल एक ही मॉडिफिकेशन है, वो फ्लैसी लीव्स। आप समझ सकते हैं कि जैसे स्टेम आपका जो रिड्यूस डिस्क सेप, ये रिड्यूस स्टेम होता है, और इसे आप कहते हैं बल्ब, क्लियर। फिर आप जानते हैं कि इसके अंदर इस फॉर्म में ये फ्लैसी लीव्स होती हैं, तो ये आपकी फ्लैसी लीव्स हैं, फ्लैसी लीव्स, क्लियर। और यहां एपिकल बड है, एपिकल बड, तो ये एपिकल बड है, यहां एक्जिलरी बड हो सकती हैं, ये तो स्टेम के पार्ट है और ये रिड्यूस डिस्क लाइक स्टेम। लेकिन ये जो फूड स्टोरेज करती है फ्लैसी लीव्स, जो आप अनियन में, प्याज में जो आप खाते हैं, ये फ्लैसी लीव्स, या गार्लिक में, लहसुन में, तो ये फूड स्टोरेज करती हैं। तो ये फ्लैसी लीव्स है, जो एपीएमटी 2014 में भी ये क्वेश्चन था, आप समझ सकते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा कि यूट्रिकुलेरिया आंसर नहीं होगा, फाइकस नहीं होगा, अनियन यानी ऑनियन यानी प्याज इजीली आपका आंसर हो जाएगा, और नेफेंथीज नहीं होगा। तो क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा बेटा, थर्ड आंसर आपका होगा। थोड़ा देखेगा इसको भी अपन इसी पैटर्न में, भाई जो भी लीव है आपको अच्छे से पता, उसके बारे में भी अपन आगे डिस्कस करेंगे, उसके जो कैरेक्टर्स रही हैं। तो आप नेक्स्ट देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सोलन लोअर एंड ऑफ लीफ स्टॉक इज, फूला हुआ कर्णाधार कहलाता है, पिटियोल, पल्वाइनस, थैलेमस और डिस्क। जिस तरीके से ये अपने पास में एक जो लीफ है, उस लीफ की स्ट्रक्चर हुआ करती है, इस लीफ के अंदर ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये है लीफ लेमिना, उसके बाद में ये यहाँ पे है पिटियोल, और ये जो बिल्कुल नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं लीफ बेस। लीफ बेस जो पी प्लांट वगैरह होते हैं, जो लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है, उसमें ये जो यहाँ पे लीफ बेस है, ये लीफ बेस इस तरीके से फूल जाता है, ये स्वेल हो जाता है, और ये जो यहाँ पर स्वेलन लीफ बेस है, उसे हम लोग बोलते हैं पिटियोल, उसे हम लोग बोलते हैं पल्वाइनस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया पल्वाइनस। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन, पल्वाइनस का क्वेश्चन भी नीट एग्जाम के अंदर आया हुआ है। और देखो अपन यहाँ पर अब लीफ के कुछ जनरल करेक्टर यहीं पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप समझ सकते हैं कि आगे के क्वेश्चंस में आपको बहुत अच्छे से सहायक होंगे, ठीक है। तो अपन कहते हैं बेटा कि जो लीफ होता है, लीफ जनरली आप समझ सकते हो कि सूट एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होता है। तो एपिकल मेरिस्टेम आप देखते हो कि ये स्टेम में जो एपिकल बड होती है, एपिकल मेरिस्टेम, तो इसको देखो कवर करने के लिए यहाँ पे आपके होते हैं, यहाँ आप समझ, इसको कवर करने के लिए यहाँ पे आपके होती है लीफ प्राइमोडिया, ये लीफ प्राइमोडिया होते हैं, प्रणादक, प्रणादक, और यहां आपका ये एपिकल मेरिस्टेम, ये लीफ प्राइमोडिया है, लीफ प्राइमोडिया, प्रणादक, क्लियर, जो एपिकल मेरिस्टेम से। अब आप जानते हैं कि एक्सपेंशन आपका होगा एपिकल मेरिस्टेम से, जैसे ही आगे ग्रो करेगा, जैसे ही आगे ग्रो करेगा, तो पहले वाला अपन बात करके ये पेटेशन होकर ये इस फॉर्म में, ये वेनेशन होकर ये लीफ बनना, फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और स्टेम का जो मैच्योर पार्ट होता है, मैच्योर पार्ट जहां आप समझ सकते हैं कि जो नोड होती है, तो स्टेम के नोड से ये डेवलप होती है, नोड पे
अटैच होती है नोड पे, तो नोड पे डॉक्स ये अटैच होती है और ये लीफ इस फॉर्म में लीफ हो गई। तो ये लेटरल आउटर ग्रोथ या लेटरल अपेंडिज है, यानी आप समझ सकते हैं कि स्टेम के पार्श्व अंग है, लेटरल जो एक्सपेंडेड पार्ट आपका है, बिल्कुल क्लियर। और ये स्टेम के नोड रीजन पे अटैच होता है, नोड रीजन पे। अब नोड पे जहां अटैच होता है, जो जंक्शन है नोड और लीफ के, आप समझ सकते हैं कि पेटियोल का, तो वो आप समझ सकते हो कि क्या है, लीफ बेस, लीफ बेस, लीफ बेस है प्रणाधार। उसके बाद आप जानते हो पेटियोल है, और उसके पश्चात आप जानते हो कि जो एक्सपेंडेड पार्ट होता है इसको आप क्या कहते हो, लैमिना। एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ उसको अपन क्या कहते हैं, लीफ लैमिना, या इसको लीफ ब्लेड भी कहते हैं, लीफ ब्लेड भी अपन क्या कहते हैं, क्लियर। अब आप समझ सकते हो बेटा कि जैसे पेटियोल सब लीफ में होगी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लीफ बेस और लैमिना ये सब लीव्स में होगा, बिल्कुल जो फंक्शनल लीफ है उसमें लीफ लैमिना होगा। अब स्टेम के ऊपर अगर अपन बात करें कि स्टेम के ऊपर जो लीव है, स्टेम के ऊपर जो लीफ का अरेंजमेंट है वो एक्रोपिटल सक्सेशन में होगा। एक्रोपिटल सक्सेशन का मीन होता है अग्रभिसारी क्रम में, अग्रभिसारी क्रम का मीन वही, जब भी ओरिजिनेट यहां से हो रही है, एपिकल मेरिस्टम से ओरिजिनेट हो रही है, तो जो ओल्डर लीव्स हैं या मैच्योर लीव्स हैं वो बेस पर होगी, और जो यंग लीव्स हैं वो एपिकल पार्ट की ओर होगी। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा सक्सेशन हो गया, एक्रोपिटल ऑर्डर है, मतलब पहली लीफ जो होती है वो नीचे की तरफ आती है, बाकी लीफ नेक्स्ट बाय नेक्स्ट आगे रहती है। तो आप समझ रहे हैं कि अग्रभिसारी क्रम के अंदर विन्यासित होती है, क्लियर। अब अपन बात करते हैं बेटा यहाँ पे कि भी देखो जो लीफ बेस के कुछ मॉडिफिकेशन है, सर बताया लीफ बेस के, तो कुछ में तो ये जानते हो कि बिल्कुल स्वेलअप होके गांठ नुमा, या नोड के ऊपर ऐसे गांठ नुमा, या फिर पलवाइनस जिसको अपन बोलते हैं, है ना, स्पॉन्जी गांठ नुमा, या इस फॉर्म में आपका हो जाता है लीफ बेस जो फूल के मोटा हो जाता है, मोटा होता है। तो मटर मेरिंग में पाया जाता है, लेग्यूमिनोसी में, ये लेग्यूमिनोसी फैमिली का कैरेक्टर भी पलवाइनस, और वहां फैमिली जब आप पढ़ोगे तो ये वर्ड वहां लिखा आएगा फैमिली के अंदर, बिल्कुल। और आप जानते हो जो अनाज होते हैं मोनोपोड, जैसे मतलब वीट, गेहूं का स्टेम है, वीट है, वीट बाजरा है, बाजरा है ना, उनके अंदर क्या होता है कि जो लीफ बेस है वो एक्सपेंड होकर एज ए सीथ इस स्टेम को पार्शियली फुली कवर कर लेता है, जैसे गन्ने से, गन्ने के स्टेम से आप उतारते हैं ना, वो लीफ बेस उतारते हैं चारों तरफ से स्टेम को ऐसे कवर किया रहता है, कवर कर लेता है, तो आपको जानते हो लीफ सीथ, बिल्कुल प्रणाधार आच्छद, प्रणाधार आच्छद, तो ये तो हो गए। फिर आप जानते हो कि पेटियोल, पेटियोल उसको मेंटेन करता है लेमिना को, ताकि वो एयर में फल्टरिंग करता रहे, और जो लीफ लेमिना है उसकी ऐसे साइड को भी ऐसे फ्लक्चुएट करता है, बिल्कुल, ताकि मैक्सिमम लाइट उसके ऊपर गिरती रहे, हाँ, जो ऑप्टिमम सनलाइट को ले सके ऐसे अरेंज करता है पेटियोल, और फल्टरिंग कराता है ताकि उसको कूलिंग इफेक्ट भी जनरेट करता है, कौन, पेटियोल, पेटियोल। फिर आप समझ सकते हो कि जो लेमिना होता है, तो लेमिना में मिड रिब जो प्रोमिनेंट वीन होती है, वीन्स होती है, वीनलेट होती है, तो वैसे वेनेशन जो उसका वेनेशन होता है, तो वेनेशन की टाइप आपको पढ़ना है कि पैरेलल वेनेशन है, रेटिकुलेट वेनेशन है, फिर टाइप ऑफ लीफ है, सिंपल लीफ है, कंपाउंड लीफ है, तो उन सब के बारे में अपन बहुत अच्छे से, और प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है क्योंकि फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है और फूड फॉर्मेशन करता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें अपन नेक्स्ट करते जाएंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर सेकेंड आपका हो गया, आप नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, पहचाने और सही विकल्प का चयन कीजिए, बिल्कुल। अब देखिएगा बेटा कि जो आपको ये रूट दे रखी है, आप समझ सकते हैं कि इसमें रेडिकल से प्राइमरी रूट फॉर्म हो रही है, और फिर सेकेंडरी टर्शरी और डीपर रूट सिस्टम है, क्योंकि आप समझ सकते हैं फाइबरस रूट सिस्टम होता तो प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती, और जो स्टेम का बेस है, तने का जो आधार है, वहां से आप जानते हैं कि थिन फाइबरी फाइबर इस फॉर्म में, तो ये आप समझ रहे हैं कि फाइबरस रूट सिस्टम होता, क्लियर। तो आप समझ रहे बेटा कि ये आपका हो गया टैप रूट, और टैप रूट हो गया, लेकिन ये तो सही है टैप रूट ऑफ मस्टर्ड, लेकिन लीफ टेंड्रलोपी ये टेंड्रल नहीं है, बताइए, तो वो आप समझ सकते हैं क्या है, ये यहाँ पर जो स्टेम है, ये स्टेम इस तरीके से मॉडिफाई हो रहा है टेंड्रिल के अंदर, बिल्कुल। तो यहाँ पे लीफ टेंड्रलोपी नहीं होगा, ये यहाँ पे बेसिकली स्टेम का मॉडिफिकेशन है, और ये यहाँ पे अपने सामने बिल्कुल डेप्थ रूट है, तो वो यहाँ पे हो गई टैप रूट, टैप रूट, टैप रूट ऑफ मस्टर्ड हो सकती है, लीफ टेंड्रिल ऑफ पी ये नहीं होगा, क्योंकि स्टेम का मॉडिफिकेशन है, एडवेंटिशियस रूट ये है नहीं, फाइबरस रूट भी नहीं है, टैप रूट ऑफ ब्रेसिका, बिल्कुल जो ब्रेसिकेसी फैमिली है उसमें टैप रूट है, और जो स्टेम है वो टेंड्रिल के अंदर हो रहा है मॉडिफिकेशन, ये पूरी कुकुरबिटेसी फैमिली में होता है, बिल्कुल, यहाँ पर लोकी है या कद्दू वगैरह है, सब में होते हैं वो, तो आप पूरी कुकुरबिटेसी, भाई एक्सिलरी बड अगर टेंड्रिल फॉर्म करें, आप जानते हैं टेंड्रिल एक सेंसिटिव कॉइल्ड, आप जानते हैं स्ट्रक्चर है, वो स्पर्शन वर्तन थिग्मोट्रोफिज्म मोमेंट जो है गति दर्शाता है कि नियर बाय सपोर्ट कोई मिलता है तो उसके वो लिपट जाता है, और उसको प्लांट को सपोर्ट प्रदान करता है, क्लाइंबिंग में हेल्प करता है, बिल्कुल क्लाइंबिंग ऑर्गन है। तो आप जानते हैं कि एक्सिलरी बड अगर
टेंड्रिल फॉर्म करे तो स्टेम टेंड्रिल होता है कुकुरबिटेसी में, बिल्कुल अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो यहाँ मोर करेक्ट आपका आंसर है टैप रूट ऑफ ब्रैसिका और स्टेम टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटेसी, ये परफेक्ट आंसर आपका हो रहा है। और आप समझ सकते हैं कि ये आपको टैप रूट का डायग्राम जो एनसीईआरटी ने दे रखा है। तो नेक्स्ट आप देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, इन सम प्लांट्स द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड पिटियोल, इफ दिस प्लांट एक्सपेंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसिस फूड एस एक्सेम्प्लिट बाई। तो देखो यहाँ पर एक्सेम्प्लीफाई करते हैं इसको, जैसे अपने पास में इस तरीके से प्लांट है, इस प्लांट के अंदर ये यहाँ पे होता है लीफ बेस, ये पिटियोल और ये यहाँ पे लीफ लेमिना लीफ ब्लेड है। कुछ प्लांट जैसे ऑस्ट्रेलियन अकेशिया है या फिर जो पार्किंसोनिया है, इसमें जो यहाँ पर लीफ ब्लेड होता है ये लीफ ब्लेड रिड्यूस हो जाता है, इस तरीके से यहाँ पर जो लीफ ब्लेड है वो रिड्यूस हो जाता है और इस तरीके से यहाँ पर अवशेष रूप में बचता है। फिर जो यहाँ पे पिटियोल है ये पिटियोल फैल कर चौड़ा हो जाता है, काफी ब्रॉड हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। अब ये फोटोसिंथेसिस करता है, इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं बिल्कुल फिलोड इसको बोलते हैं। जैसे कि अपन बात करें सर कि भी कल अपन ने डिस्कस किया था बिल्कुल कि स्टेम के, यहाँ देखो बहुत अच्छी ट्रिक बना, स्टेम के फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए मॉडिफिकेशन, बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट मॉडिफिकेशन अपने पढ़ा था फिलोक्लेड, तो फिलोक्लेड किसका मॉडिफिकेशन था, स्टेम का, बिल्कुल प्रणाब स्तंभ, प्रणाब स्तंभ। तो प्रणाब स्तंभ वहां पर आपने देखा था कि जब होल स्टेम कंप्लीट स्टेम ही, आप समझ सकते हैं बेटा कि वहां पर कंप्लीट स्टेम ही एक्सपेंडेड हो गया था, बिल्कुल। और एक्सपेंडेड होकर फ्लैसी म्यूचुलेज उसमें थी और होल स्टेम वहां फ्लैसी और परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, तो जितनी भी जो लीफ है वो तो स्पाइंस में चेंज हो गई और अब जो फूड का फॉर्मेशन है वो स्टेम करेगा। वहां जो लीफ थी वो स्पाइन में थी, मॉडिफाइड थी और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा था, ये अपने पूरा बताया था फिलोक्लेड प्रणाब स्तंभ। उसके बाद अपने देखा कि कंप्लीट स्टेम नहीं, होल स्टेम नहीं हो तो उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, क्लेडोड। तो क्लेडोड के अंदर अपने बताया था कि जैसे ये स्टेम है उसकी नोड है, यहाँ से जो ब्रांच है तो वन और टू इंटरनोड, वन या टू इंटरनोड एक्सपेंड हो, केवल वन और टू इंटरनोड, तो वो आपका होता है क्लेडोड एस्परगस और जो भी डेहले में आप समझ सकते हैं। तो ये आपका हो गया क्लेडोड। अब फिलोक्लेड और क्लेडोड ये तो स्टेम के मॉडिफिकेशन, देखो अपन ट्रिक को हल करने के लिए। अब एक आपका आता है फिलोड, फिलोड आता था बेटा समझ सकते हो, फिलोड किस में आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो मैं यहां उसको आपको एक्सप्लेन करता हूं कि जो फिलोड है, फिलोड आप देखो, आप फिलोड को समझिए, तो फिलोन ये लीफ से आया, फिलोन लैटिन वर्ड फिलोड। ध्यान दीजिएगा कि जो ऑस्ट्रेलियन अकेसिया होते हैं या बबुल होता है उसके अंदर आप समझ सकते हैं कि जो लीफ का टाइप होता है कंपाउंड होता है और कंपाउंड बाइपिनेट, कंपाउंड बाइपिनेट तो ये आप जानते हैं लीफ बेस है, ये पेटियोल है, बिल्कुल। और उसके बाद यहाँ पर जो लीव्स होती हैं उसमें ऐसे लेमिना में इनसाइजन हो जाते हैं, इनसाइजन होकर दो बार इनसाइजन हो जाते हैं, तो पहले मेनेक्सिस में फिर दोबारा सब डिवाइडेड हो जाता है, तो ऐसे आपके उसमें बाइपिनेट लीव्स होती हैं, क्लियर। अब बाइपिनेट लीव्स होती हैं, बाइपिनेट लीव्स तो ये बिल्कुल रिड्यूस होती हैं और ये भी आप जानते हैं शॉर्ट लीव्ड होती हैं, गिर जाती हैं, फाल हो जाती हैं, तो फिर उसका जो पेटियोल है ये पेटियोल ये एक्सपेंड होता है और पिटियोल एक्सपेंड होकर ग्रीन होता है, आप समझ रहे हैं। तो ये ग्रीन होता है तो आप जानते हैं कि भाई ये एक्सपेंड होकर ग्रीन होता है, ये फोटोसिंथेसिस जो परफॉर्म करता है, तो पार्ट तो किसका, लीफ का ही तो है, तो होता है फिलोड और फिलोड होता है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। अब नीट एग्जाम के अंदर फिलोक्लेड कई बार क्वेश्चन आ चुका है, क्लेडोड आ चुका है और फिलोड 2018 में, उससे पहले दो साल में लगातार रिपीट हुआ है ये फिलोन का क्वेश्चन, तो यह ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए लीफ इज आइडेंटिफाई फ्रॉम पर्ण की पहचान का मुख्य लक्षण है फ्लैट ग्रीन लेमिना, चपटा हरा पर्ण फलक, ये जरूरी नहीं है क्योंकि कुछ लीफ में क्या होता है कि जो लीफ लेमिना है वो आप कह सकते हो कांटे में रूपांतरित हो जाता है, अवशेष हो जाता है वो, तो ये जरूरी नहीं है। प्रेजेंस ऑफ लीफ ब्लेड एंड पिटियोल, तो वही बात, ब्लेड का होना जरूरी नहीं है, पिटियोल लीफ पे भी जरूरी नहीं है। प्रेजेंस ऑफ एक्सिलरेटेड, बिल्कुल सही बात है कि जो लीफ है उसमें एक्सिलरेटेड पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे अकरेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल का होना सारी लीफ का करेक्टर नहीं है, कुछ लीफ जो होती है वो फोटोसिंथेटिक नहीं होती है, वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती है, बिल्कुल। तो बिल्कुल यहाँ पे से आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। भाई सीधी सी बात है भाई, लीफ पर अपने ओरिजिन बताया, लीफ एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होती है और एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होती है तो उसके बाद वो किससे ऐड होती है, नोड से। तो नोड से जब लीफ जुड़ती है तो स्टेम के साथ वो एंगल में होती है, एक एंगल में, तो स्टेम के साथ एंगल में होती है, तो इस लीफ के पिटियोल और स्टेम का जो एक्जिल है, इस एक्जिल में यहां आपकी होती है एक्जिलरी बड, एक्जिलरी बड पार्ट ऑफ स्टेम है, तने का भाग है, लेकिन पत्ती यानी लीफ
स्टेम के जिस पार्ट से, नोड से जिस पॉइंट पे अटैच होती है और फिर जिस पॉइंट पे अटैच होती है लीफ ऐसे अरेंज होती है, तो यहाँ एक एक्जिल हो गया है ना, और इस एक्जिल में ये आपकी होती है एक्जिलरी बड, ये एक्जिलरी बड है, एक्जिलरी बड, क्लियर। तो ये मतलब हर लीफ चाहे वो सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर है कि हर लीफ के एक्जिल में, मेन लीफ के एक्जिल में जहां से वो ओरिजिनेट होती है उसके एक्जिल में यहाँ एक्जिलरी बड जरूर होगी, बिल्कुल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको लिख रखा, तो प्रेजेंस ऑफ एक्जिलरी बड, तो इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 6, फिलोटैक्सी इज पर्ण विन्यास है, मोड ऑफ लीफ अरेंजमेंट ऑन स्टेम, टाइप्स ऑफ रूट, अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल्स इन द फ्लावर एंड टाइप ऑफ ओवरी। तो बेसिकली यहाँ पे फिलोटैक्सी का मतलब क्या है, मोड ऑफ लीफ अरेंजमेंट, जैसे कोई भी यहाँ पर एक स्टेम है उसमें लीफ जो है उस लीफ का अरेंजमेंट कैसे है, जैसे यहाँ पे इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो अल्टरनेट टाइप का अरेंजमेंट है। इसके अलावा यहाँ पर ये अपोजिट टाइप की कंडीशन जो है वो भी हो सकती है, जहाँ पर एक नोड से दो लीफ निकलती है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती है, और एक यहाँ पर कई बार एक नोड से बहुत सारी लीफ निकलती है। तो इस तरीके से लीफ का जो अरेंजमेंट वगैरह होता है उसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं फिलोटैक्सी। बिल्कुल, जो स्टेम के ऊपर लीफ का जो अरेंजमेंट है उसको आप क्या कहेंगे, फिलोटैक्सी। वो अल्टरनेट अपोजिट या कई टाइप आपके हो सकते हैं। तो मोड ऑफ लीफ अरेंजमेंट ऑन स्टेम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है। थोड़ा देखो मोर्फोलॉजी में भी लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, कंसेप्ट होते हैं अगर आप दिमाग लगाएं तो। और अब क्वेश्चन कोई एग्जांपल का या फालतू नहीं आते हैं, सारे एनसेट के कंसेप्ट आते हैं। देखो बच्चों, अगर मोर्फोलॉजी को रटोगे तो कुछ टाइम बाद आप उसको भूल जाओगे, बिल्कुल, लेकिन अगर आप उसको कंसेप्ट समझोगे ना तो फिर आप उसको लॉन्ग टाइम तक मेमोराइज कर सकते हो, बिल्कुल। तो आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अपन बात करेंगे 7 की, हाउ मेनी ऑफ द गिवन प्लांट सो फिलोटैक्सी वेयर सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड। तो आप भी समझ सकते हैं, अभी तो आपने बताया कि भाई स्टेम के ऊपर जो लीफ का अरेंजमेंट है, लीफ का जो पैटर्न है स्टेम के ऊपर, इट इज नोन एज फिलोटैक्सी, पर्ण विन्यास, फिलोटैक्सी हो गया, क्लियर। अब आप समझ सकते हैं कि भाई ये स्टेम है, स्टेम पे ये नोड रीजन होते हैं, नोड इंटरनोड, तो नोड रीजन से, तो ईच नोड हैव वन लीफ, या वन लीफ अटैच एट ईच नोड, एक नोड पे एक लीफ अटैच हो, बिल्कुल, और वो आप जानते हैं कि अल्टरनेट फैशन, अल्टरनेट फैशन का मीन क्या होता है, एक ऐसे 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 ऐसे, आप समझ रहे हैं, तो ये अल्टरनेट फैशन हो, अल्टरनेट फैशन में तो अल्टरनेट फिलोटैक्सी होगी, बिल्कुल, मतलब इसमें पहली और जो तीसरी लीफ है वो सेम डायरेक्शन में होती है, तो आप समझ रहे हो, चौथी सेम डायरेक्शन में है, तो अल्टरनेट फिलोटैक्सी होगी। अल्टरनेट फिलोटैक्सी आप समझ सकते हैं बेटा कि जो मस्टर्ड है या सनफ्लावर है अपन बात करें, और वहां पर चाइना रोज है, चिली होगी, हां इसमें आप जानते हैं कि क्या होती है, अल्टरनेट फिलोटैक्सी होगी, क्लियर। अब अपन बात करते हैं अपोजिट फिलोटैक्सी, अपोजिट आप समझ सकते हैं बेटा कि एक सिंगल नोड से टू लीव्स, तो एक नोड से एक ही लीफ निकलती है, यहाँ एक नोड से दो लीफ निकलती है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है, बिल्कुल। अब आप समझ सकते हैं कि अपोजिट फिलोटैक्सी होगी, ये अपोजिट फिलोटैक्सी होगी, और अच्छे से आप जानते हैं कि अपोजिट फिलोटैक्सी में दो फॉर्म होते हैं वहां पर, बिल्कुल, अगर वो इसी फॉर्म में जैसे कि ओवरलैपिंग हो, ये फिर ये, तो ये तो आपको पता गवावा में सुपर इम्पोज्ड आप गवावा में अमरूद में देख सकते हैं, और कैलोट्रोपिस में आप जानते हैं कि एक नोड से दो लीव्स हैं, बिल्कुल, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो सुपर इम्पोज्ड नहीं है, डेक्यूसेट होती है, यानी वो जैसे एक पेयर ऐसे है, एक नोड भी एक पेयर ऐसे है, तो दूसरा उसके राइट एंगल पे होगा, फिर तीसरा उसके एंगल पे होगा, ऐसे, बिल्कुल, जैसे आप एक लीफ ऐसे तो दूसरी ऐसे, हाँ, तो आप देख सकते हैं इसमें, आप देख सकते हैं कैलोट्रोपिस में, लेकिन सीधी सी बात है कि कैलोट्रोपिस के अंदर जो लीव्स का पैटर्न है वो तो अपोजिट ही हो गया ना, तो गवा में कैलोट्रोपिस में अपोजिट हो गया, फिर आपका होता है वुरल फिलोटैक्सी, बिल्कुल, कि एक ही नोड से कई लीव्स, मैंने लीव्स आपकी उसका वंश निकलता है, तो एल्स्टोनिया जो होता है, डेवल ट्री जो आपका होता है, तो यहां देखिएगा कि इसमें आपका वुरल फिलोटैक्सी, बिल्कुल, चक्रिक पर्ण विन्यास, ये क्वेश्चन भी आ गया आपका नीट में, और आप समझिए ब्रेसिका, मैं यहां पर दूसरे पेन से बताता हूं कि जो ब्रेसिका है, एक ब्रेसिका, फिर आप समझ सकते हो कि चिल्ली और चाइना रोज, चाइना धतूरा और सनफ्लावर, तो 1, 2, 3, 4, 5 में अल्टरनेट है, एल्स्टोनिया में वुरल है, और जो गवावा है, गवावा में और कैलोट्रोपिस में अपोजिट फिलोटैक्सी, बिल्कुल अपोजिट फिलोटैक्सी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन से आप पूरी फिलोटैक्सी को क्लियर कर सकते हैं, क्लियर। तो आप समझ रहे हैं कि इसके अंदर आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो 5 आपका हो गया, सेकंड आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8,
सिमिलरिटी बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड लीफ इज, सरल तथा संयुक्त पत्ती के मध्य समानता क्या होती है, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन सिंपल कंपाउंड लीफ, नंबर ऑफ लीफ लेमिना, प्रेजेंट ऑफ एक्सिलरी बड, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ लेमिना, ऑल ऑफ दिस। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सिंपल लीफ है और जो कंपाउंड लीफ है, इन दोनों के अंदर जो एक्सिलरी बड है वो डेफिनेटली पाई जाती है। बिल्कुल, चाहे भाई सिंपल लीफ हो चाहे कंपाउंड लीफ हो, यहाँ स्टेम के ऊपर जो लीफ अटैच होगी, बिल्कुल अटैच होगी, तो वहां नोड से अटैच होगी। अब नोड से अटैच होगी, वो उस स्टेम के साथ एक एंगल फॉर्म कर रही है, तो उसके एक्जिल में, इन एक्जिल उसके लेटरल साइड में पार्ट्स में, तो एक्जिल में आपकी एक्सिलरी बड, जो स्टेम का पार्ट है एक्सिलरी बड, तो आप समझ सकते हैं बेटा कि भाई स्टेम और स्टेम का जो नोड रीजन है, नोड रीजन से लीफ अटैच्ड है, और इसके एक्जिल में ये स्टेम का ही पार्ट है, ये आप समझ सकते हैं एक्जिलरी बड है, एक्जिलरी बड, क्लियर। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि ध्यान दीजिएगा, ये लीफ, क्लियर, ये लीफ बेस, ये पेटियोल, ये लेमिना, और ये यहाँ पे आपकी क्या है, स्टेम का जो पार्ट है, यानी ये एक्जिल में एक्जिलरी बड, एक्जिलरी बड, क्लियर। अब चाहे लीफ सिंपल हो और चाहे कंपाउंड हो, सिंपल लीफ क्या होती है कि सिंपल लीफ में या तो जो लेमिना है, ये लेमिना है, इस लेमिना में कोई इंसिजन, इंसिजन हो ही नहीं, कटान हो ही नहीं, कोई कटान नहीं हो, सिंपल एक लेमिना हो, या कटान हो भी, जैसे थोड़ा सा अपन बात करें कि कटान हो, लेकिन वो कटान मिडरिप तक नहीं जाए, मिडरिप तक नहीं पहुंची, डू नॉट रीच मिडरिप, तब तक भी वो सिंपल ही है, क्या है, सिंपल। लेकिन वो कटान अगर मान लो कि रीच एट मिडरिप, मिडरिप तक चला जाए, तो फिर वो क्या हो जाएगी, कंपाउंड लीफ हो जाती है। अब आप जैसे सबसे पहले कंपाउंड लीफ में भी दो टाइप है, क्लियर, ये पिननेट है, जो पैटर्न आपने बनाया वो क्या है, पिननेट। तो देखिएगा अपन कंपाउंड लीफ का आपको जो दर्शा सकते हैं, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको दर्शा देते हैं पिननेट लीफ, बिल्कुल। तो कंपाउंड पिननेट होती है ना, कंपाउंड पिननेट, संयुक्त पिच्छाकार, इसमें क्या होता है कि जैसे ये मिडरिप रैकिस की तरह होती है, मिडरिप रैकिस की तरह। अब जो लेमिना है, ये लेमिना, इस लेमिना में ये कटान पड़ रहे हैं, कटान, तो कई सारे लीफ प्लेट हो जाएंगे। तो आपने अच्छे से आप देखा करो कि जब आप नीम में देखते हैं, नीम में, तो नीम में जैसे लीफ यहां से अटैच है, यहां एक्जिलरी बड है, उसके बाद में ये मेन रैकिस है, और ये आपके लीफ प्लेट्स हैं, उसके अंदर लीफ प्लेट्स, ये लीफ प्लेट्स हैं, क्योंकि एक बार इनसीजन हुआ है, तो ये आप समझ सकते हो कि उसके अंदर क्या है, लीफ प्लेट्स, लीफ प्लेट्स हैं। अब लीफ प्लेट के एक्जिल में कभी भी एक्जिलरी बड नहीं होगी, क्योंकि वो कंप्लीट लीफ नहीं है, लीफ प्लेट तो लेमिना के ही पार्ट्स हैं, तो लीफ प्लेट के एक्जिल में कभी भी एक्जिलरी बड नहीं होगी, क्योंकि एक्जिलरी बड तो स्टेम का पार्ट है, और हर लीफ के एक्जिल में आपके एक्जिलरी बड होती है, जो एक ब्रांच पूरी लीफ है उसके पास में होती है, लेकिन लीफ के अंदर पाई जाती है, तो लीफ का पार्ट नहीं एक्जिलरी बड, भाई लीफ के एक्जिल में आपकी होगी जो ब्रांच या इन्फ्लोरेंस बना सके, ब्रांच और इन्फ्लोरेंस, बिल्कुल। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये लीफ प्लेट्स हैं। अब इनसाइजन अगर दो बार हो जाए, ये रैकिस है ना, ये रैकिस और विभाजित हो जाएगा, रैकिस विभाजित हो गया, ऐसे जैसे आपने बबुल में बताई थी बाई पिननेट, ऐसे, तो जहां एक बार यहां आपकी एक्जिलरी बड होगी, ये बाई पिननेट होगी, यस। और आप समझ सकते हैं कि जो पालमेट होती है, तो पालमेट में ऐसे एक पॉइंट पे ही सारे लीफ प्लेट आते हैं, यहां पर अलग अलग जगह पे होते हैं, एक पॉइंट पे आते हैं, और ऐसे बाई पाल, मतलब जैसे उसमें बाईफोलिएट, यूनिफोलिएट, बाईफोलिएट, मल्टीफोलिएट, सिल्क कॉटन वहां पढ़ते हो, तो बेटा वहां टाइप ऑफ लीफ को बहुत अच्छे से क्लियर करें। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन कि प्रेजेंट ऑफ एक्सिलरी बड, चाहे सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो, लीफ के एक्जिल में जहां स्टेम से अटैच है वहां आपकी एक्जिलरी बड होगी, लीफ प्लेट के एक्जिल में एक्जिलरी बड नहीं होगी, बिल्कुल करेक्ट। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लीफ बेस एक्सपेंड इनटू ए शीट कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली फाउंड इन, पत्तियों का आधार बढ़कर आवरण में परिवर्तित हो जाता है जिसके द्वारा तने को आंशिक या पूर्णतः आवृत कर लेते हैं, यह पाया जाता है, तो अपने पता है बात करती मोनोकोट में होता है, डाइकोट प्लांट में नहीं पाया जाता, सुगरकेन बिल्कुल मोनोकोट इसमें पाया जाता है, आंसर यहां पे हो गया फोर्थ ऑप्शन। भाई मोनोकोट सीरियल से एक दूसरे अनाजों में होता है, जो भी गेहूं है, चावल है, बाजरा है, मक्का है, तो आपको पता है ना, जैसे ये नोड होती है, ये अगली नोड हो गई है ना, तो यहाँ से लीफ ऐसे ऐसे एक्सपेंड होकर इसको कवर कर लेता है, बिल्कुल। तो आप गन्ने से उतारते हैं ना, बिल्कुल, तो पार्सल या हुली उसको कवर कर सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। तो अब आप नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, विच इज फंक्शन ऑफ पिटियोल ऑफ लीफ, पत्तियों के पर्णवंध का क्या काम है, तो बिल्कुल यहाँ पे ये है, होल्ड द लीफ लेमिना टुवर्ड्स द लाइट, मतलब जो पिटियोल है किसी भी लीफ के अंदर,
ये यहाँ पे पेटियोल क्या करता है, इस लीफ लेमिना को इस तरीके से एडजस्ट करता है ताकि उसके ऊपर मैक्सिमम लाइट गिर जाए। अलाउ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड, बिल्कुल सही है, हवा के अंदर इसको आप कह सकते हो उसे फल प्लांट करवाता है ताकि ताजी हवा इसके कॉन्टेक्ट में रहे, फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो कंपेरेटिवली हाई हो जाए। हेल्प ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू द सरफेस ऑफ लीफ बाय मूवमेंट ऑफ लीफ लेमिना, बिल्कुल सही है, आंसर यहाँ पे हो गया ऑल ऑफ दिस। भाई देखो अब ये तो इस रूप से बेटा अपन ने पेपर को अरेंज किया है कि भाई आपके ऑप्शन से जो टॉपिक ही क्लियर हो जाए, बिल्कुल ये पिटियोल का कोई भी फंक्शन हो सारे फंक्शन यहाँ पे आगे जो एनसीईआरटी के क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल होल्ड करता है मैक्सिमम सनलाइट के लिए आगे से आगे, दूसरा टाइम फल्टरिंग करता है फ्रेश एयर के लिए और वो मूवमेंट आपकी उसकी होती है क्लियर। और आप जानते हैं कि उस वो लेमिना अपने शेप साइज में बहुत सारा चेंजेस भी शो करता है, तो बिल्कुल ऑल ऑफ दीज आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। फिलोइड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, अभी हमने बात की थी कि जो फिलोइड है वो किसका मॉडिफिकेशन है, पिटियोल का मॉडिफिकेशन है, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया और पार्किंसन। यानी लीप अपन वहां से आप समझ सकते हो कि लीप के एक लेमिना, वैसे देखो लीप के अंदर देखो आप लीप बेस के फंक्शन पढ़ोगे अटैचमेंट, पिटियोल के भी आपने फंक्शन पढ़े, ये जो फोटोसिंथेसिस है ना ये फंक्शन ओनली किसका लेमिना का है, लेमिना का। अब लेमिना के अलावा देखो यहाँ पिटियोल अगर फोटोसिंथेसिस करे तो वो मॉडिफाई हो रहा है, तो पिटियोल एक्सपेंड हो रहा है और वहां ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में आपको बताया था, तो आप समझ सकते हैं कि आंसर आपका सेकंड हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। वोल फाइलोटेक्सी एंड पाल्मेट लीव्स फाउंड इन रेस्पेक्टिवली फॉलोइंग प्लांट्स, चक्रीय पर्ण विन्यास तथा हस्ताकार पत्ती क्रमशः किसमें पाई जाती है, बात की थी मैंने कि जो एस्टोनिया है जो डेविल ट्री है इसके अंदर वोल टाइप की फाइलोटेक्सी पाई जाती है एंड पाल्मेट लीव, तो बिल्कुल पाल्मेट लीव कहां पाई जाती है, बॉम्बेक्स पाई जाती है, तो आंसर यहां पे फर्स्ट ही हो गया बॉम्बेक्स, यानी वो सिल्क कॉटन की बात होगी है ना, तो आप समझ रहे हैं कि भी बॉम्बेक्स सिल्क कॉटन को, तो एल्स्टोनिया हो गया और बॉम्बेक्स हो गया, क्योंकि पहले आपसे पूछा है क्या, पहले आपसे पूछा है चक्रीय पर्ण विन्यास रेस्पेक्टिवली पूछा है, तो वुरल फाइलोटेक्सी जो होती है वुरल फाइलोटेक्सी, ये वुरल फाइलोटेक्सी तो किसमें होगी, एल्स्टोनिया में होगी, और आप समझ रहे हैं कि भी जो सिल्क कॉटन है उसमें जैसे ये पिटियोल की टिप है चोटी है, तो पिटियोल की चोटी पर कई सारे जो लीफलेट्स हैं ये एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं, तो ये मल्टीफोलिएट है, मल्टीफोलिएट ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छा डायग्राम दे रखा है, कई बार आपका ये क्वेश्चन आ गया है ना, और आप समझ सकते हैं कि ये सिल्क कॉटन में बॉम्बेक्स से सिल्क कॉटन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। सेलेक्ट राइट स्टेटमेंट फॉर वेनेशन, सिरा विन्यास के लिए सही कथन को चुनिए, वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर इन लीफ लेमिना ऑफ चाइना रोज, तो चाइना रोज यहाँ पे डाइकोट हो गया, और डाइकोट जो है उसमें पैरेलल वेनेशन नहीं होता है, उसमें रेटिकुलेटेड वेनेशन होता है, जिसमें जो लीफ है उसमें इस तरीके से वेनलेट्स और वेन का जाल सा पाया जाता है, तो यहाँ पे चाइना रोज की वजह से स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया बिल्कुल। नेक्स्ट आप देखिए वीनलेट फॉर्म इन नेटवर्क इन लीफ शुगर कैन, बिल्कुल गलत है, देखिए ये भी बड़ा कंसेप्ट है, इजीली आप समझ लें, देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें वेनेशन की तो दो टाइप के होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट होता है जालिका व सिरा विन्यास, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा भाई, देखिएगा रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, जैसे ये लेमिना है, अब लेमिना में एक प्रोमिनेंट वीन होगी मिड रिब, ये प्रोमिनेंट वीन क्लियर, और ये आपकी वीन्स है, ये क्या है वीन्स, और सब वीन की जो थिकनेस है वो वेरी करती है, अलग अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट आपकी होती है, बीच से साइड क्यों लगातार कम होती रहती है, ये आपकी हो गई मिड रिब प्रोमिनेंट वीन, ये आपकी हो गई वीन्स क्लियर। अब आप जानते हैं कि यहां ऐसे नेटवर्क होगा वीनलेट्स का, वीनलेट का नेटवर्क होगा, वीनलेट्स का क्या होगा नेटवर्क क्लियर, तो ये वीनलेट जहां पर कंडक्टिव टिश्यू नहीं होती, वीनलेट का यह नेटवर्क होगा, तो आप जानते हो बेटा कि बहुत ही बहुत आप जानते हैं महीन जो सिराएं आपके दिन का जो नेटवर्क यहाँ पर वीनलेट का, तो उसको आप कहते हैं वीनलेट, ये नेटवर्क ये जाल पाया जाता है, जैसे आप पीपल की पत्ती को सुखा के देखते हैं तो एक जाल सा आपको मिलता है, नेटवर्क सा मिलता है, तो रेटिकुलेट वेनेशन हो गया क्लियर। अब मैं आपको बता दूं कि जो आपका पैरेलल वेनेशन होता है, तो पैरेलल वेनेशन में क्या होता है कि ये जैसे लेमिना है, लेमिना आपका है जैसे अपन बनाना में बात करते हैं ये लेमिना है, तो जो ये पैरेलल जाती है इसकी सेम थिकनेस की से पैरेलल, और कभी भी उसमें वीनलेट्स नहीं होती हैं, क्या होती हैं वीनलेट्स नहीं होती, मिड रिब होती है, वेन होती है, हाँ वीनलेट्स नहीं होती, वीनलेट्स नहीं उसमें कभी भी नहीं होती है, तो आप समझ सकते हैं कि ये ऑप्शन ऐसे हो गया, ये हो गया वीन रन पैरेलल टू ईच अदर लेमिना ऑफ मेज, बिल्कुल ये करेक्ट पॉइंट है ना, तो आप समझ सकते हैं कि आंसर आपका क्या हो गया थर्ड ऑप्शन क्लियर, तो आप समझ रहे हैं कि यहां पर आंसर आपका थर्ड होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। मोनोकोट प्लांट्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम डाइकोट प्लांट्स बाय, एक बीजपत्री पौधों को द्विबीजपत्री पौधों से किसके आधार पर विभाजित कर सकते हैं,
फिलोटेक्सी, एस्टिवेशन, वेनेशन या नन ऑफ दीस। तो वेनेशन यहाँ पर जो है डाइकोट प्लांट जो होते हैं उनमें होते हैं रेटिकुलेटेड वेनेशन, मोनोकोट में होता है पैरेलल वेनेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन वी डिफरेंशिएट मोनोकोट फ्रॉम डाइकोट। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया भाई, ध्यान दीजिएगा। अब अगर अपन बात करें रेटिकुलेट से बताया बिल्कुल किसमें, डाइकोट में, रेटिकुलेट है ना। केवल एक एक्सेप्शन है कैलोफाइलम, कैलोफाइलम डाइकोट होते हुए पैरेलल वेनेशन है। और पैरेलल वेनेशन किसमें पाया जाता है, पैरेलल वेनेशन मोनोकोट्स में। एक एक्सेप्शन है स्माइलेक्स, स्माइलेक्स आप जानते हैं कि मोनोकोट होते हुए क्या है, रेटिकुलेट वेनेशिएटेड शो करता है। और या तो आप रूट सिस्टम के बेसिस पे, रूट सिस्टम के बेसिस से मोनोकोट डिफरेंशिएट फ्रॉम डाइकोट। और ये आप समझ सकते हो कि वेनेशन। तो वेजिटेटिव ऑर्गन्स में दो ही पार्ट आपके आते हैं जिसके ऊपर आप क्लियरली डाइकोट को मोनोकोट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि यहां आपका हो जाएगा वेनेशन। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, अपोजिट सिंपल लीव्स विद रेटिकुलेटेड वेनेशन आर प्रेजेंट इन। तो अपोजिट यहाँ पर अपने पास फिलोटेक्सी है, सिंपल लीफ है, और यहाँ पे रेटिकुलेटेड वेनेशन है। तो ये अपने को यहाँ पे काय पाई जाती है, नेरियम, चाइना रोज, कैलाट्रोपिस और नीम। तो बिल्कुल अपन यहाँ पे कह सकते हैं कैलाट्रोपिस जो है, एक तो कैलाट्रोपिस और एक गवावा, इन दो के अंदर अपोजिट टाइप की फिलोटेक्सी होती है। अपोजिट भी होगी और रेटिकुलेट सिंपल लीफ होगी बिल्कुल उसमें, और रेटिकुलेट वेनेशन हो गया, डाइकोट है बिल्कुल, रेटिकुलेट वेनेशन हो गया, क्लियर। तो ये सारे आप जानते हैं कि कैलाट्रोपिस में करेक्टर आ जाएंगे, क्लियर। तो आप नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाल्मेट एंड पिन्नेट कंपाउंड लीफ। जो पाल्मेट और जो पिन्नेट है, जिस तरीके से अपने पास में होती है पिन्नेट लीफ, जहां पर जो लीफ लेट है वो अटैच होते हैं मिड रिब से, और जो पाल्मेट है वहां पर ये जो लीफ लेट है अटैच किससे होते हैं, जो यहाँ पे पिटी होती है टिप पार्ट पे अटैच होता है। तो नंबर ऑफ लीफ लेट, नो, वेनेशन ऑफ लीफ, ओरिजिन ऑफ लीफलेट, बिल्कुल सही है, ये सही है। लीफलेट अगर मिड रिब से है तब तो हो गया पिन्नेट, और पीटीओ के टिप पार्ट पे तब यहाँ पर हो गया ये पाल्मेट। भाई वो तो आप जानते हैं कि जगह जगह से ऐसे इनसीजन हो जाता है, ये जगह जगह से इनसाइजन हो गया, इनसाइजन हो गया। तो आप जानते हैं कि भी जगह जगह से इनसाइजन हो गया तो ये आपके लीफलेट्स बन गए। और लीफलेट है ना उस रैकिस पे, रैकिस यहाँ बोलते हैं वहां पर, जगह जगह पर आप जानते हैं कि अटैच्ड है रैकिस पे, ये अटैच्ड है, क्लियर। लेकिन वहां आपने कहा क्या, टिप, यानी एक पॉइंट, कॉमन पॉइंट। तो कॉमन पॉइंट पे सारे लीफलेट आ रहे हैं, जैसे बाइफोलिएट, जैसे मल्टीफोलिएट, ट्राइफोलिएट, या फिर अपन बात करते हैं मल्टीफोलिएट एक ही टिप पे, जबकि यहाँ ये यूनिपिनेट, फिर ये मैन रैकिस, फिर ब्रांच होता है, यहाँ ऐसे होता है ये बाइपिनेट होती है, फिर आप समझ सकते हो कि ये मैन रैकिस, फिर ये ब्रांच, फिर ब्रांच के ऊपर ब्रांच, और फिर ये पिन्नेट होता है, तो उसको आप क्या कहते हैं, ट्राइपिनेट। क्या कहते हैं, ट्राइपिनेट। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपकी हो गई कि ओरिजिन ऑफ लीफलेट एनसीईआरटी का कंसेप्ट है, वो सारे क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को शो कर रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 17, बिल्कुल, इन स्वीट पी द टेंड्रिल आर मॉडिफाइड, मीठी मटर में प्रतान का रूपांतर निम्न में से होता है, स्टेम नहीं होगा, लीफलेट बिल्कुल हो सकता है, स्टिफ्यूल्स, और आप समझ सकते हैं कि लीव्स। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, लीफलेट, बिल्कुल। भाई देखो ध्यान दीजिए, यहाँ आपको पूछा स्वीट पी, तो बेटा ध्यान दीजिए, अपने बताया था कि स्टेम की, फिर वही कंसेप्ट पे आ जाए, स्टेम, स्टेम की नोड, नोड से यहाँ अटैच है लीफ, इसके एक्जिल में एक्जिलरी बड, स्टेम का पार्ट है एक्जिलरी बड, क्योंकि एपिकल बड और एक्जिलरी बड का प्रेजेंस स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर है, बिल्कुल डिफाइनिंग कैरेक्टर है। अब एक्जिलरी बड, एक्जिलरी बड अगर टेंड्रिल में चेंज होती है, जो भी आप समझ सकते हो कि हाईली कोल्ड सेंसिटिव स्ट्रक्चर में एक्जिलरी बड, तो वो किसमें होता है, कुकुरबिटेसी में, कुकरबिट्स में, बिल्कुल। तो ये स्टेम टेंडल होता है, और आप समझ सकते हैं कि लीप, आप जानते हैं कि जो पी है, पी जो स्वीट पी होता है फाबेसी फैमिली, उसमें जो लीपलेट होते हैं, लीपलेट वो टेंडल में चेंज होते हैं लीपलेट, या आप जानते हैं कि जो जंगली मटर होता है लेथायरस अफाका वाइल्ड पी, उसमें कंप्लीट लीप हो सकती है, लेकिन जो मीठी मटर होती है स्वीट पी होती है पाइजम सटाइम, उसमें लीपलेट, लीप के जो पार्ट्स होते हैं लीपलेट टेंडल में चेंज होते हैं, तो लीफ का ही मॉडिफिकेशन है, लेकिन यहाँ स्पेशली क्या दे दिया, लीफलेट दे दिया। ये जो जंगली मटर है उसमें तो पूरी की पूरी लीफ जो है वो मॉडिफाई हो जाती है टेंडरल में, जो मीठा मटर है उसमें सिर्फ लीफलेट ही, लीफलेट कुछ लीफलेट है, कुछ लीफलेट बचे रहेंगे बीच बीच में से, यहाँ उसमें कंपाउंड पिन्नेट लीव होती है यूनिपिनेट, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ लीफलेट वैसे बचे रहेंगे, और कुछ लीफलेट जैसे ये लीफलेट ये टेंडरल में चेंज हो जाएंगे, क्लियर। तो आप समझ रहे, उसका डायग्राम आप इंसर्ट बहुत अच्छा दे रखा है। तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, Which is not a feature of dicot leaf, निम्न में से कौन सा द्विबीजपत्री पत्ती का लक्षण नहीं है, they are dorsal ventral, तो बिल्कुल अपन यहाँ पे कह सकते dicot leaf dorsal ventral होती है, एक surface dorsal एक ventral होती है, their venlets arrange parallel with each other, यहाँ पे long statement हो गया,
पेरेनल टाइप का जो वेनेशन है वो डाइकोट में नहीं होता, मोनोकोट में होता है। दे हैव स्टोमेटा ऑन सरफेस, बिल्कुल भी लीफ स्टोमेटा तो होंगे होंगे। दे रिप्रेजेंट एक्रोपिटल अरेंजमेंट ऑन स्टेम, बिल्कुल। तो यहाँ पे कौन सा लक्षण नहीं है, आंसर यहाँ पे हो गया दूसरा ऑप्शन, बिल्कुल। देयर विनलेट अरेंज पैरेलल, तो पैरेलल तो पॉसिबल ही नहीं, बिल्कुल क्लियर। और आप समझ सकते हैं कि विनलेट वहाँ पॉसिबल ही नहीं होती है, तो आप समझ रहे हैं कि भी ये सारे करेक्टर आपको अपने बता चुके हैं पहले, तो आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द इनकरेक्टली मैच विद रेस्पेक्ट ऑफ लीफ। यहाँ पे है गुआवा, इसमें रेटिकुलेटर वेनेशन बिल्कुल सही है, लीफ यहाँ पे सिंपल होती है, और जो फिलोटेक्स है वो यहाँ पे अपोजिट है ही है। मस्टर्ड में रेटिकुलेटेड है, सिंपल है, अल्टरनेट है। एस्टोनिया में रेटिकुलेटेड है, सिंपल, यहाँ पे लीफ है, अल्टरनेट यहाँ पे वेनेशन जो है नहीं, वो नहीं पाया जाता, क्योंकि वहाँ उर्ल फाइलोटेक्स पहले आप बता चुके हैं। तो ये आपको पूछा है क्या, इनकरेक्ट, बिल्कुल। तो इनकरेक्ट आपका आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया, पी रेटिकुलेट कंपाउंड हो गई और अल्टरनेट, तो ये सही बैठता है। आप समझ रहे हैं कि थर्ड ऑप्शन आपका 100% क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो पहले भी आपको समझा चुके हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, फर्स्ट आपका ऑप्शन है प्रोवाइड रिजिडिटी। तो बेटा आप समझ सकते हो, जो लीफ ब्लेड होता है ना, लेमिना लीफ ब्लेड, उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। मिड रिब प्रोमिनेंट मीन होती है, वींस उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, क्लियर। तो यहाँ आपका हो जाएगा कि भी वींस आ जाएगा, क्लियर। और यहाँ आप जानते हैं स्लोन लीफ बेस ऑफ पी, तो अपने कहते हैं ना मटर का जो फुलाव प्रणाधार होता है, स्वेलन लीफ बेस होता है पलवाइनस। तो पलवाइनस आपको मतलब है, बताया था पर्णवरण तल्यक, जो गांठ नुमा होता है, स्पॉन्जी होता है। लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होती है, क्लियर। और आप समझ सकते हैं ए बड इज प्रेजेंट इन द एक्जिल ऑफ, तो सिंपल लीफ हो चाहे कंपाउंड लीफ हो, बिल्कुल। लीफ चाहे स्टेम से अटैच होगी, उसके एक्जिल में क्या होगी, एक्जिलरी बड होगी होगी, बट लीफलेट के एक्जिल में लीफलेट के एक्जिल में एक्जिलरी बड नहीं होगी। यस बेटा, तो बहुत अच्छे से अपन ने इसको किया। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा, पहले ऑप्शन में पिटियोल आ गए तो ये नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में आप जानते हैं कि देखो यहाँ थर्ड सीधा थर्ड दिया है, तो थर्ड यहाँ से ही दिया, सूट एपिकल मेरिस्टेम, बिल्कुल सूट एपिकल मेरिस्टेम। और फोर्थ आपका सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, दोनों के एक्जिल में एक्जिल बड हो सकती है, तो कुछ को छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी सेकंड आंसर आपका सही है। थर्ड क्यों नहीं हो सकता, थर्ड में फर्स्ट तो सही है, वींस फर्स्ट तो सही है, लेकिन यहाँ पर इंटरकलरी मेरिस्टेम ये नहीं है। दूसरी बात है कि पलवाइनस ये भी ठीक है, लेकिन सिंपल लीफ ओनली ये आपको दिया है, किसके लिए, फोर के लिए। तो यहाँ देखिएगा कि फोर ए बड इज प्रेजेंट इन एक्जिलरी बड, जो होती है दोनों की एक्जिल में होती है, चाहे सिंपल लीफ हो चाहे कंपाउंड लीफ हो, तो ये इस फॉर्म में गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत आपका हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर हो क्या जाएगा, सेकंड। और वैसे मैं अपने सब में आपको बता ही दिया है, बिल्कुल। तो आप नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21, गिवन बिलो द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे निम्न कथन दिए गए हैं, फिलोइड एंड क्लेडोड आर होमोलोगस स्ट्रक्चर। ये होमोलोगस स्ट्रक्चर है, होमोलोगस स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जिनका ओरिजिन जो है वो सेम है और फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो फिलोइड है वो तो लीफ में है, और जो क्लेडोड है वो यहाँ पे स्टेम में है, ये एनालोगस हो गया, होमोलोगस नहीं है। एनालोगस ऑर्गन है, दोनों फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, दोनों फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, फंक्शन सेम है, ओरिजिन अलग 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 है। ये आप जानते हैं ये स्टेम का, स्टेम का, क्लियर। अब आप समझ सकते हैं एमोरफोलोसस एंड स्ट्रॉबेरी हैव कॉर्न, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉबेरी में कॉर्न नहीं होता। टेंडल ऑफ पी एंड टेंडल ऑफ कुकरबिट शो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, बिल्कुल। अब आप समझ सकते हैं कि टेंडल ऑफ पी जो लीफ का मॉडिफिकेशन है, टेंडल ऑफ कुकरबिटा जो स्टेम का है, दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है, बिल्कुल। तो ये क्या हो गया, अभिसारी विकास आपका हो गया, क्योंकि ये किसको शो कर रहे हैं, एनालोगस एनालोगस को, एनालोगस को जो आप जानते हैं इवोल्यूशन में आपको दे रखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको दे रखा है इवोल्यूशन में, जूलॉजी के अंदर, है ना। फिर देखिए फिलोक्लेड इज ए फ्लैश स्टेम फॉर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल क्लियर। और सनफ्लावर हैज कैपिटुलम इन्फ्लोरेंस, ये भी करेक्ट है, क्योंकि सबसे एडवांस टाइप का जो इन्फ्लोरेंस होता है कैपिटुलम, बिल्कुल। तो आप देखते हैं कि सनफ्लावर में, सनफ्लावर में आपने देखा होगा यहाँ सेंटर होता है डिस्क फ्लोरेट, और उसके बाद में क्या होते हैं रे फ्लोरेट्स होते हैं पेरिफेरी रीजन के अंदर, क्लियर। और वो एडवांस टाइप का क्यों है कि सिंगल इंसेक्ट की जो विजिट है वो उसको पोलिनेशन पोलिनेटेड कर देती है, तो ये भी करेक्ट है आपका। तो यहाँ पर कितने करेक्ट हो गए, थ्री। तो आपका आंसर क्या हो गया, सेकंड, बोलिए। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, विनस फ्लाई ट्रैप है, तो बेसिकली विनस फ्लाई ट्रैप जो है ये यहाँ पर एक इंसेक्टिवोरस कंडीशन है, बिल्कुल। और ये यहाँ पे जो लीफ है उसकी इंसेक्टिवोरस कंडीशन है, जहाँ पे लीफ जो है वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो इंसेक्ट है उसको किल कर देती है, उसको मार देती है। सही आंसर यहाँ पे होगा सेकंड ऑप्शन, विनस फ्लाई ट्रैप डायनिया, डायनिया में आपका प्रेजेंट होता है विनस फ्लाई ट्रैप। और वहां आप देखते हो पिक्चर प्लांट है, तो वो सारे किसके मॉडिफिकेशन है, लेमिना के मॉडिफिकेशन है,
क्लियर। तो आप समझ रहे हैं कि आपका आंसर हो गया, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, द एडिबल पार्ट ऑफ गार्लिक में बात की थी, गार्लिक में और अनियन में, यहाँ दोनों में जो लीफ है वो फूड को स्टोर करके स्पंजी हो जाती है, और यहाँ पर लीफ ही क्या है, एडिबल पार्ट है, गार्लिक हो चाहे अनियन हो। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे फ्लैसिल यूज होती है, बिल्कुल ये फ्लैसिल यूज होती है, तो ये फ्लैसिल यूज होती है फूड स्टोरेज के लिए, बिल्कुल। और ये आप जानते हैं कि रिड्यूस स्टेम है, क्लियर। तो आप समझ सकते हैं, अपने पहले आपके सामने डिस्कस अपन कर चुके हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द लीफ शोन बिलो विद इट एग्जांपल, ये अपने पास में यहाँ पर एक लीफ है, तो ये जो आप यहाँ पर लीफ देख रहे हो इसके अंदर देखो यहाँ पर लीफलेट्स है, और ये सारे लीफलेट जो है वो पिटियोल के टिप पार्ट पर है, जिसका मतलब ये कंपाउंड लीफ है, और कंपाउंड भी कौन सी है, पालमेट है, पालमेट कंपाउंड लीफ है, और मल्टीफोलिएट, बिल्कुल एक कॉमन पॉइंट, और टिप ऑफ पिटियोल सारे लीफलेट्स वहीं पे हैं, तो कॉमन पॉइंट है, और आपने बताया कि टिप पार्ट है, बिल्कुल, और लीफलेट्स हैं, तो मल्टीफोलिएट सिल्क कॉटन, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, मल्टीफोलिएट सिल्क कॉटन, तो आपसे पालमेट कंपाउंड लीफ मल्टीफोलिएट सिल्क कॉटन, तो आपका आंसर क्या हो गया, थर्ड आंसर हो गया, क्लियर। अब आप नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर, अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, द फ्लावर्स इन द रेसिम, रेसिमोस आर अरेंज्ड, रेसिमोस यहाँ पे कंडीशन है, एसिमॉक्सी कंडीशन है, एक्रोपिटली बेसिपिटली सेंट्रिपिटली या सेंट्रीफ्यूगली, तो एसिमॉक्सी के अंदर यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पे फ्लावर्स जो अरेंज होते हैं यू, तो शुरुआत यहाँ पे कैसे हो रही है, नीचे से ऊपर की तरफ हो रही है, इसे हम लोग बोलते हैं अग्राभिसारी, इसे हम लोग बोलते हैं एक्रोपिटली ऑर्डर। वही एक्रोपिटल सक्सेशन का मीन होता है कि ये आपका पेडेंकल है, यानी पेडेंकल का मतलब पुष्पीयक्ष है, बिल्कुल पेडेंकल। अब आप जानते हैं कि पुष्पीयक्ष पर जो फ्लावर है वो बॉर्न हो रहे हैं, तो जो मैच्योर फ्लावर है वो बेस पर हो यानी प्रोक्सिमल, और जो यंग फ्लावर हो वो डिस्टल यानी आगे से आगे, और ये जो फ्लोरल एक्सिस है पेडेंकल है, फ्लोरल एक्सिस नेवर एंड इनटू फ्लावर, ये ऑलवेज ग्रो करता रहे आगे से आगे, आप समझिए कभी भी फ्लोर के रूप में एंड नहीं होगा। तो ऐसा जो फैशन होता है वो एक्रोपिटल होता है, आप समझ सकते हो बेटा कि आपको इन्फ्लोरेंस के जो मेन जो टाइपिकल इन्फ्लोरेंस होते हैं दो टाइप आपके होते हैं, रेसिम एंड रेसिमोज एंड साइमोज, तो रेसिमोज और साइमोज में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि यहाँ एक्रोपिटल फैशन होती है, वहाँ वेसिपिटल होती है, बिल्कुल क्लियर। यहाँ आप समझ सकते हैं कि जो मैच्योर और फ्लोर है वो बेस पर होते हैं, और टिप की ओर यंग फ्लोर होते हैं, जबकि साइमोज में आप जानते हो कि टिप की ओर ओल्डेस्ट ओल्ड फ्लोर आपके होंगे या मैच्योर फ्लोर होंगे, और यंग फ्लोर वहाँ बेस की ओर होंगे, तो वहाँ आप जानते हैं कि वेसिपिटल होगा, और वहाँ जो पेडेंकल है या जो फ्लोरल एक्सिस है वो आप जानते हैं कि एंड हो जाएगा किसके फ्लावर के रूप में, किसमें, साइमोज में, बिल्कुल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी से बहुत बार आपके भी नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल। तो आपका आंसर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस इज सिमिलर टू रेसिम इन्फ्लोरेसेंस, सिमाक्षी पुष्पक्रम असिमाक्षी पुष्पक्रम के समान होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, ओपनिंग ऑफ फ्लावर, बीइंग ग्रुप ऑफ फ्लावर arranged on floral axis, main axis terminates into flower. तो यहाँ पे कंडीशन देखें कि जो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है वो रेसिम के समान है, सिमाक्षी असिमाक्षी के समान है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ये यहाँ पे नहीं हो सकता, दोनों में जो अरेंजमेंट है वो एक्रोपिटल वेसिपिटल अलग होता है, ओपनिंग ऑफ फ्लावर, फ्लावर की जो यहाँ पे ओपनिंग है ये सेम ही होगी, बीच में फ्लोर बड है, एंथेसिस होता है, एंथेसिस जो है दोनों में सेम तरीके से, फ्लोरल बड है, फ्लोरल बड, तो फ्लोरल बड का एंथेसिस यानी कलिका का खिलना, एंथेसिस अपन कहते हैं कलिका प्रस्फुटन, तो खुलती है तो फिर खिलता तभी तो फ्लोर बनेगा, बिल्कुल हाँ, वो तो ये है कि भी अरेंजमेंट दोनों में अलग अलग है, यहाँ मैच्योर बेस पे है, वहाँ मैच्योर टिप पर है, तो एक्रोपिटल बेसिपिटल, बिल्कुल आप समझ सकते हैं, बी ग्रुप ऑफ फ्लोर अरेंज इन फ्लोरल एक्सिस वो भी अलग है, मैन एक्सिस टर्मिनेट इन फ्लोर, तो मैन एक्सिस कभी भी टर्मिनेट नहीं होता है, नेवर टर्मिनेट इन फ्लोर इन रेसिमोज, इन रेसिमोज, लेकिन आप समझ सकते हैं कि साइमोज में वो टर्मिनेट हो जाएगा, शुरुआत इसी से होती है साइमोज, आप जानते हैं कि साइमोज में वो टर्मिनेट हो जाएगा, क्लियर। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि साइमोज में वो टर्मिनेट हो जाएगा, इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये सारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन है वो सेकंड ही होता है, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, एसिमेट्री फाउंड इन, एसिमेट्री कौन से फ्लावर में होती है, केना, बिल्कुल अपने यहाँ पे कह सकते हैं केना में एसिमेट्री पाई जाती है, अनियन में सेस्मेनिया रोसेटा एंड गुलमोर, इनमें यहाँ पे सिमेट्री पाई जाती है, तो एसिमेट्री यहाँ पे हो गया केना, बिल्कुल 100% है। और अपन बात करते हैं कि जो फ्लोर की सिमेट्री होती है रेडियल सिमेट्री होती है, तो रेडियल सिमेट्री यानी एक्टिनोमोर्फिक, बिल्कुल एक्टिनोमोर्फिक जो फ्लोर होते हैं त्रिज्या समेत,
बहुत सारे प्लेन से काट सकते हैं डिवाइड पार्ट में, और आप समझ सकते हैं उसके बाद आपको होता है जाइगोमॉर्फिक। बिल्कुल, तो जाइगोमॉर्फिक में केवल सिंगल प्लेन होता है, वर्टिकल प्लेन है वो आप समझ उसको डिवाइड इनटू हाफ वो कर सकता है। और रेस्ट आप जो एक्टिनोमॉर्फिक की बात करते हैं तो वहां कोई भी प्लेन उसको डिवाइड कर सकता है। और अपन नेक्स्ट लेक्चर में जब फ्लावर ही पूरा स्टडी करेंगे तो उसके क्वेश्चंस उससे रिलेटेड वहां बहुत आएंगे। अभी आप समझ सकते हैं आंसर आपका क्या होगा, कहना, कहना। सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28, रेसिमोस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन एंजियोस्पर्म प्लांट दे आर मेनली डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, नंबर ऑफ फ्लावर, लिमिटेड और अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ फ्लावर एक्सिस। बिल्कुल, अभी आपको अपने समझा दिया सारा कि फ्लावर नेवर टर्मिनेट, या जो फ्लोरल एक्सिस, सॉरी फ्लोरल एक्सिस नेवर टर्मिनेट इनटू फ्लावर, कभी भी टर्मिनेट नहीं होता, ऑलवेज ग्रो करता रहता है। ये तो रेसिमोस में होता है, तो वो रेसिमोस में हो गया, और टर्मिनेट अगर हो जाए तो साइमोस में होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये डिफरेंस है, और आप समझ रहे हैं कि आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29, इनफ्लोरेंस ऑफ फिगीज, अंजीर का पुष्पक्रम। बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं कि भी जो टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस है, तो एक तो आप जानते हैं रेसिमोज और साइमोज, और एक स्पेशल और मिक्स टाइप, फिर आपका होता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस। तो वहां पर आप समझ सकते हैं दो आपके हाइपेंथोडियम है। बिल्कुल, एक तो हाइपेंथोडियम है, उसके पास आप साइथियम है, तो हाइपेंथोडियम और साइथियम। तो हाइपेंथोडियम अगर अपन बहुत सारी जगह पर पढ़ेंगे, जो ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट होता है, यानी जो फिग ट्री है, अंजीर है, उसके अंदर आप जानते हो हाइपेंथोडियम आपका इन्फ्लोरेंस होता है। तो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेंस में ऐसे रिसेप्टिकल की तरह ये स्वेलप हो जाता है, और यहाँ आप जानते हैं कि इस फॉर्म में फ्लावर्स अरेंज होते हैं हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेंस में। तो आप यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। बिल्कुल, नेक्स्ट आप देखिएगा, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस इन गिवन डायग्राम। तो एनसीईआरटी डायग्राम है, यहाँ देखिएगा कि बेटा एक्रोपिटल सक्सेशन में आगे से आगे फ्लावर है, और फ्लोरल एक्सिस ये जो ब्रांचिंग है इस पेडेंकल की, फ्लोरल एक्सिस की, तो फ्लोरल एक्सिस यहाँ नेवर एंड, ये नेवर टर्मिनेट इनटू फ्लोर, फ्लोर में टर्मिनेट नहीं हो रहा है। बिल्कुल, वो ऑलवेज क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। बिल्कुल, तो ये रेसिमोज है, रेसिमोज हो गया। और आप यहाँ देखिएगा कि ये बाइकेजियल, बिल्कुल, जो द्विशाखी सेसिमाक्स, जो एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो ये द्विशाखी सेसिमाक्स से टर्मिनेट हो रहा है आपका, ये साइमोज है, है ना। तो बिल्कुल आप समझ सकते हो कि ए रेसिमोज और बी आपका क्या होगा, साइमोज। तो क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा बेटा, फर्स्ट। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, देखो अपन ने लीफ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ध्यान दीजिएगा कि लीफ एक लैटरल अपेंडिजिज है, लेकिन प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, फूड फॉर्मेशन करता है। आप जानते हैं एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होता है, एपिकल मेरिस्टेम से, क्लियर, लीफ प्राइमोर्डिया। और फिर अटैच कहाँ होता है, नोड पे होता है, जहां स्टेम से अटैच होता है उसके एक्जिल में क्या होती है, एक्जिलरी बड होती है, चाहे वो सिंपल लीफ हो चाहे कंपाउंड लीफ हो आगे जाकर, क्योंकि कंपाउंड तो लेमिना में इंसाइजन से होगा ना, लीफ जहां अटैच है वहां पे एक्जिल में एक्जिलरी बड है, क्लियर। उसके बाद आप जानते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन में अरेंज होती है, फिर आप कहते हो लीफ के पार्ट्स है, तो लीफ बेस है, पेटियोल है, लेमिना है, उसके पार्ट्स हैं, पर इस आपके उसके मॉडिफिकेशन और फंक्शन आपको आने चाहिए। फिर आप आ जाओगे कि लीफ जो होती है उसका अरेंजमेंट क्या, फाइलोटैक्सी क्या है, तो अल्टरनेट फिलोटैक्सी होती है, एकांतर प्रणविन्यास होता है, अपोजिट होती है, और सर गोल गोल होती है, फाइलोटैक्सी होती है। उसके पश्चात आपने देखा बेटा कि जो लीफ के टाइप है, तो सिंपल लीफ है, कंपाउंड लीफ है, अगर लेमिना में इंसीजन है ही नहीं, और इंसीजन है भी तो मिडरिप तक नहीं पहुंचे, लीफलेट फॉर्म नहीं हो, तो सिंपल लीफ है। और वहां मतलब मिडरिप तक पहुंच के आप समझ सकते हैं कि अगर लेमिना में कटान मिडरिप तक पहुंच जाए और लीफलेट फॉर्म हो जाए, अब वो जगह जगह कटान पहुंचे रैकिस के बिहेव में, तो आप सिंपल पिन्नेट कंपाउंड है, कंपाउंड पिन्नेट कंपाउंड है, आप जानते हो पालमेट कंपाउंड है। तो एक एक कंसेप्ट क्यों है, वो पिन्नेट कंपाउंड क्यों है, पालमेट कंपाउंड क्यों है, उसका क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, उसका क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, यस बेटा। फिर अपन वेनेशन पे आते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन क्या है और पैरेलल वेनेशन क्या है, क्या डिफरेंस है रेटिकुलेट और पैरेलल में, डाइकोट में रेटिकुलेट है तो उसका एक्सेप्शन क्या है, मोनोकोट में पैरेलल उसका क्या एक्सेप्शन है, और कैसे डिफरेंशिएट वो करते हैं, क्लियर। उसके बाद आप जानते हैं डोर्सी वेंट्रल लीफ अपन आगे बोलेंगे डायकोट को, वहां आइसोबायलेटरल लीफ बोलेंगे, पृष्ठाधारी और समद्विपार्श्व, और अरेंजमेंट अपन एनाटॉमी में बात करेंगे। उसके पश्चात आप देखिए बेटा कि लीफ का मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना, लेकिन वो लेमिना का है, लीफ ब्लेड का है। अब उसके अलावा अदर फंक्शन परफॉर्म करता तो मॉडिफिकेशन है, तो फ्लैसी लीव्स एक मॉडिफिकेशन है, आप जानते हो कि फिलोड ऑस्ट्रेलियन एकेशिया में वो मॉडिफिकेशन है, और ये सारे आप जानते हैं बेटा कि लीफ स्पाइन जो ओपनसिया में, बिल्कुल स्टेम तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, जो लीफ होती है स्पाइन में, तो रिड्यूस
सरफेस एरिया और वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं तो वो मॉडिफिकेशन है, ट्रांसपिरेशन भी कम हो जाएगा, प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक पॉइंट अगर आप एनसीईआरटी की सीक्वेंस में चलते हैं, एक वर्ड टू वर्ड, और इस पेपर की पीडीएफ को लेकर आप अगर वर्ड टू वर्ड हल करते हैं तो आपके टॉपिक का सिंगल वर्ड नहीं रहेगा एनसीईआरटी का, एग्जाम के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होंगे। अच्छा ध्यान दीजिए, फिर अपन ने कहा कि जब ये स्टेम रूट स्टेम लीफ जब वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो गई तो लीफ जैसे मैच्योर हुई तो लीफ में फाइटोक्रोम है, सनलाइट को लिया, फाइटोक्रोम ने एक हाइपोथेटिकल हार्मोन फ्लोरिजन बनाया, मैच्योर लीफ से फ्लोरिजन उस एपिकल बड पे जाता है, एपिकल बड पे, और ये एपिकल बड जो होती है वेजिटेटिव बड है, तो वेजिटेटिव बड को वो कन्वर्ट किस में करता है, वेजिटेटिव बड को कन्वर्ट करता है फ्लोरल बड में। बिल्कुल, और फ्लोरल बड जो आप समझ सकते हैं कि आपका फ्लोरल एक्सिस इनफ्लोरेंस, और फिर वो फ्लोरल एक्सिस जैसे वेजिटेटिव स्टेम या ब्रांच लीफ को बियर करती है, पत्तियों को धारण करती है, वैसे ही वो जो फ्लोरल एक्सिस है फ्लोरल बड का वो फ्लावर को धारण करता है। तो फ्लोर का अरेंजमेंट क्या होता है, इनफ्लोरेंस होता है, फ्लोरल एक्सिस पे अरेंजमेंट ऑफ फ्लोर इन्फ्लोरेंस होता है। अब वो रेसिमोज है, साइमोज है, रेसिमोज और साइमोज में क्या डिफरेंस है और स्पेसिफिक टाइप के क्या होते हैं, तो बेटा हम इन्फ्लोरेंस को एक बार अच्छे से आपको नेक्स्ट लेक्चर में और समझाकर अपन फ्लोर स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आप फ्लोर को अच्छे से पढ़ के आए, हम फ्लोर का पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे। तो बेटा इसमें यहीं तक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।